एक तरफ तमाम सुविधाएं मिलने के बावजूद भी अधिकतर बच्चे बिगड़ जाते हैं या फिर स्कूल नहीं जाने के तमाम बहाने ढूंढने लगते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के रहने वाली संध्या सहनी ने ऐसे बच्चों के लिए नज़ीर पेश किया है। बाढ़ के कारण सड़क डूब जाने के चलते संध्या हर दिन 800 मीटर नाव चलाकर स्कूल जाती हैं। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो संध्या सहनी का घर गोरखपुर के बहरामपुर एरिया में है। उनकी पारिवारिक स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं है। उनके पिता बढ़ई का काम करते हैं और उससे मिलने वाले पैसों से उनके परिवार का खर्च चलता है। संध्या होकर कुछ अच्छा कर सकें और परिवार की गरीबी दूर कर सकें, इसलिए वह राप्ती नदी को पार करके स्कूल जाया करती हैं। संध्या एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज 11वीं क्लास की छात्र हैं। संध्या का कहना है कि कोरोना के समय में स्कूल बंद हो गया था, जिससे उसकी पढ़ाई रुक गई थी। उनके पास स्मार्टफोन भी नहीं है, इस वजह से वे ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाई। जब सरकार के फैसले के बाद स्कूल खोलने की खबर आई तो उनके गाँव के आसपास बाढ़ आ गई थी, लेकिन संध्या ने हार नहीं मानी और नाव चलाकर स्कूल जाने का फैसला किया। संध्या सरोजनी नायडू पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, कल्पना चावला और पीटी उषा को अपना आदर्श मानती हैं। उनका मानना है कि अच्छी शिक्षा ही उनके परिवार की गरीबी दूर कर सकता है। संध्या के इस लगन और दृढ़ निश्चय को लोग सलाम कर रहे हैं और हम भी सलाम कर रहे हैं।